दस सोलह मॉडल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जी स्टूडेंट्स हम जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं लिविंग स्टैंडर्ड के लॉन्ग रन में उन पर हम बात कर रहे हैं तीन फैक्टर्स हमने मैंशन किए थे सेविंग रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट दो पर हम बात कर चुके हैं तो आज हम तीसरे फैक्टर पर बात करेंगे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज द की फैक्टर इन इकनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स वी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट ओके सो जैसे हम अपना इंटेंसिव फार्म प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं सो के वाई जो है हमारा स्मॉल वाई स्मॉल के पर डिपेंड कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होगा कि फॉर आ

कैपिटल लेबर रेशो में और आउटपुट वर्कर रेशो में सो so, जब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगी तो दिस प्रोडक्शन फंक्शन विल शिफ्ट अपवर्ड ठीक है ये ब्लैक से रेड वाला हो गया इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल फॉर एनी फॉर सपोज एट दिस लेवल ऑफ के इनिशियली हम कितनी आउटपुट ले रहे थे दिस मच बट ड्यू टू दिस इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी इन और वी आर एबल टू हैव

कि जब प्रोडक्शन फंक्शन आप पर शिफ्ट हो जाएगा तो उसके नतीजे में सेविंग रेट कांस्टेंट है तो आपकी टोटल सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी सपोज़ सेविंग रेट आपका 20 परसेंट कॉन्स्टेंट रहा पहले आउटपुट 100 थी तो आप ट्वेंटी रुपी सेव कर रहे थे और अगर आउटपुट आप टू हंड्रेड होगी तो एट द सेम सेविंग रेट अब आप पहले से ज़्यादा सेव कर रहे हैं तो टोटल सेविंग बढ़ जाएगी तो so सेविंग के बढ़ने से क्या होगा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी कैपिटल लेबर रेशो बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में आपकी फर्दर आउटपुट बढ़ जाएगी तो ये दो तरह से एक डायरेक्ट इफेक्ट है कि उसी कैपिटल लेबर रेशो पर नाउ वी कैन हैव मोर आउटपुट और लॉन्ग रन में ये है कि कैपिटल लेबर रेशो भी इंक्रीज़ करती है जिससे आउटपुट में फर्दर इजाफा हो जाता है सो इन इक्विलिब्रियम प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट जो है इट विल इंक्रीज द कैपिटल लेबर रेशो आउटपुट पर वर्कर एंड कंजम्पशन पर वर्कर तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की वजह से प्रोडक्शन फंक्शन अपर शिफ्ट करेगा और उसका अल्टीमेटली उसका इम्पेक्ट क्या होगा कि आपकी कैपिटल लेबर रेशो भी बढ़ेगी आउटपुट पर वर्कर भी बढ़ेगी और कंजम्पशन पर वर्कर भी इसमें इजाफा हो जाएगा सो so, यहाँ से हमें इन इन सारी चीज़ों को ग्राफ ग्राफिकली हम इनको देखते हैं सो so, इनिशियली ये आपके पास ब्लैक वाला सेविंग पर वर्कर फंक्शन था और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की वजह से सेविंग रेट नहीं चेंज हुआ लास्ट टाइम जब हमने सेविंग रेट की बात की थी तो ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ था लेकिन ये शिफ्ट हुआ था ड्यू टू एन इनक्रीज इन सेविंग रेट लेकिन यहाँ सेविंग रेट आप देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आ रही इट इज़ सेम एस बट द फंक्शन एफ़ वन की वजह एफ टू हो गया यानी प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो गया उसकी वजह से ये वाला कर्व सेविंग वाला अपवर्ड शिफ्ट हो गया तो इनिशियली इक्विलिब्रियम ए पर था और के वन स्टार जो था ये आपका स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ के था और अकॉर्डिंगली इससे वाई डिटरमिन हो रही थी और सी डिटर्मन हो रही थी सारी चीज़ें इसके मुताबिक डिटरमिन हो रही थी लेकिन इस सेविंग कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने की वजह से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये अब ए से बी पर आ गया ओके सो बी पर आने से क्या होगा कि आपका कैपिटल लेबर रेशियो में इजाफ़ा हो गया आउटपुट में इजाफ़ा हो जाएगा और ये हमारी एडम्शन है कि आउटपुट जब भी बढ़ेगी तो उससे आपकी कन्जम्पन भी बढ़ेगी अब क्वेश्चन ये है कि हमने तीन तीन डिटर्मिनेंट्स पर बात की है सेविंग रेट पर बात की है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर बात की है और अब हम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पर बात कर रहे हैं सेविंग रेट जो है ज़ाहिर है इसको इंक्रीज़ करके हम अपना लॉन्ग रन जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली इसकी लिमिट है सेविंग रेट बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया था कि ये एक तरह से ट्रेड ऑफ होता है ना कि जब आप सेविंग बढ़ाते हैं तो आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन कम हो जाती है फ्यूचर बढ़ने की उम्मीद में आप ऐसा करते हैं फ्यूचर बढ़ जाती है लेकिन बहरहाल उसकी एक कॉस्ट भी है तो सेविंग रेट आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट सेविंग रेट का मतलब यह है कि जो कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सारे के सारा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी कंजम्पशन प्रेजेंट कंजम्पशन हमारी ज़ीरो तो ऑबियसली ये कोई डिजायरेबल बात नहीं है तो सेविंग रेट को बढ़ाने की भी लिमिट्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी जब हमने डिस्कस किया था कि इसको कम करके वी कैन अकॉर्डिंग टू द सोलो मॉडल वी कैन इम्प्रूव आवर लॉन्ग रन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वी कैन इम्प्रूव इट बाई डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बट इसके भी हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखे थे जब पापुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो उससे फिर क्या असर आता है आपकी इकानोमी का साइज़ कम हो जाता है आपकी पापुलेशन की कम्पोजिशन चेंज हो जाती है जैसे यूरोप में कहा जाता है कि बूढ़ों की अब वो पापुलेशन बन गई है काम करने वाले लोग कम हो जाते हैं तो उसके और बहुत सारे जिसके इम्प्लिकेशन हैं तो ऑबियसली वो भी बहुत डिजायरेबल कोई सोलूशन नहीं है लॉन्ग रन लाइफ को लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का डिज़ायरेबल सिर्फ एक ही है जो हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से लेकर अब तक जिसको देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के ज़रिए से हम कंटिन्यूसली अपने लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम ग्रो कर सकते हैं ठीक है और हिस्टोरिकली हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जैसे मैंने बताया यही एक मेन खास हमें नज़र आ रही है कि लोग लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन दिस प्रोडक्टिविटी सो इस इन तीनों को अगर हम सम करें तो सेविंग रेट को इंक्रीज़ करने से ठीक है लॉन्ग रन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी कंजम्पशन और कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेविंग रेट के इंक्रीज होने से मोर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगी और हायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक पॉसिबल होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इंक्रीज करेंगे तो उससे आपका आउटपुट कम हो जाएगी लॉन्ग रन आउटपुट पर वर्कर ऑब्वियसली हम बात करें आउटपुट कम हो जाएगी कंजम्पशन और कैपिटल पर वर्कर ये कम हो जाएंगे तो इस पर हम डिटेल से बात कर सकें और आज हमने प्रोडक्टिविटी का देखा कि इसके राइज करने से आपकी हायर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी दो तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कि सेम लेवल ऑफ इनपुट्स यू कैन हैव नाउ मोर आउटपुट और इनडायरेक्टली ये है कि आपकी सेविंग बढ़ जाएगी और उससे कैपिटल एक्यूमलेशन होगी कैपिटल बढ़ेगा और फ्यूचर में आउटपुट आपकी बढ़ जाएगी सो द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इज द डोमिनेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग हाउ कोइकली लिविंग स्टैंडर्ड राइज सो यही एक लॉन्ग रन में एक प्रामिजिंग फैक्टर है जिस की बुनियाद पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग रन में लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करते रहेंगे जब तक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है उसमें इजाफा होता रहेगा लेकिन ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि सोलो मॉडल के मुताबिक वो सेविंग रेट में इजाफ़ा हो वो पापोलेशन ग्रोथ रेट में कमी हो या प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा हो इन सब के नतीजे में इकॉनॉमी अपने पहले स्टेडी स्टेट पॉइंट को छोड़कर एक नया हायर स्टेडी स्टेट पॉइंट पर चली जाएगी लेकिन वहाँ पर जाकर अगेन वो स्टेबल हो जाएगी उसमें दोबारा कब चेंज आएगी जब फर्दर उसमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी में जब फर्दर इजाफ़ा होगा तो फिर आप आगे मूव करेंगे अदरवाइज इकॉनमी अल्टीमेटली अपनी स्टेडी स्टेट पोजीशन पर पहुंच जाएगी स्टेडी स्टेट पोजीशन का मतलब ये है कि अल्टीमेटली इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी इसका कैपिटल पर वर्कर और इसका आउटपुट पर वर्कर और इसकी कंजम्पशन पर वर्कर ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी थैंक यू वेरी मच